पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने आज समाजवादी पार्टी सहित समस्त विपक्ष को जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जवाब देते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन द्वारा दिए गए बयान का जवाब देते हुए कहा कि उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाजपा की नीतियों के मुकाबले याद करें वो इमरजेंसी का दौर जिनको उन्होंने समर्थन दिया, जिनकी सरकार चलवाई, जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर नसबंदी करने का काम कांग्रेस के लोगों ने इस देश में किया था। भाजपा की जो जनसंख्या नियंत्रण नीति उत्तर प्रदेश में लेकर आ रहे हैं उसमें जनता से भी सुझाव हम लोग मांग रहे हैं। जो सुझाव जनता देगी उन सुझावों को शामिल करके जनसंख्या नीति लेकर आएंगे और मेरा मानना है कि प्रदेश के हित में जनसंख्या नीति लाना आवश्यक है। वहीं अखिलेश यादव पर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों सहित आम लोग भी उत्तर प्रदेश पुलिस के रहते हुए सुरक्षित महसूस करते हैं। दरअसल राज्यसभा सांसद अखिलेश यादव के उस सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर आज मुरादाबाद स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। लंबे समय से इस देश में इससे बहुत लंबे समय से बहस चल रही है। जनसंख्या नियंत्रण को लेके जनभावना भी ये है कि कोई ना कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे देश में जनसंख्या पर नियंत्रण हो, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है देश के पास। उन सीमित संसाधनों का उपयोग जो है कुछ उन सीमित लोगों उन संसाधनों का उपयोग लोगों के अच्छा जीवन करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए लंबे समय से इस बहस को लेके कई बार बहस हुई, पार्लियामेंट में भी लोगों ने इस विषय को उठाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने का मानना यह है कि जनसंख्या नियंत्रण जो अगर हमारे पास जन दर है अगर वो कंट्रोल में रहेगी तो उत्तर प्रदेश का विकास बेहतर तरीके से हो सकता है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि उन लोगों को पहले ये सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की नीति याद करें वो इमरजेंसी का दौर, याद करें वो इमरजेंसी का दौर जिनको उन्होंने समर्थन दिया, जिनकी सरकार चलवाई, कि जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर नसबंदी कराने का काम कांग्रेस के लोगों ने इस देश में किया था। भारतीय जनता पार्टी की जो जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश सरकार लेके आ रही है उसमें जनता से भी सुझाव हम लोग मांग रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एकदम हम जनता से 19 तारीख तक सुझाव मांगे। उन जो जनता सुझाव देगी उन सुझावों को इनकॉर्पोरेट करने के बाद ही हम जनसंख्या नीति लेके आएंगे और प्रदेश के हित में विकास के लिए मेरा मानना है कि जनसंख्या नीति बनाना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में मुझे इतना कहना है कि हम सब लोग जनप्रतिनिधि से लेकर आम व्यक्ति आज उत्तर प्रदेश में जो योगी जी के नेतृत्व में आज पुलिस जो काम कर रही है उसमें सब लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।